अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम है शफीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरी आप तमाम यूट्यूबर के लिए एक स्पेशल चीज़ है जो आप सारे यूट्यूबर जो है आपके इस्तेमाल में होती है, तो एक वही चीज़ मैंने आपके लिए एक स्पेशल मैंने खुद तैयार की है। तो मैंने सोचा ताकि आप दोस्तों के साथ भी वो चीज़ शेयर कर लूँ, ताकि आप सब दोस्तों को जो है ना ज़्यादा पैसे खर्च होने से आप लोग जो हैं वो बच जाएँ। तो दोस्तों, मैंने एक मोबाइल स्टैंड जो है वो मैंने तैयार किया है, तो उसके मुतालिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप ये वीडियो में से आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये मैंने एक मोबाइल स्टैंड जो है ये खुद ही तैयार किया है, वो भी आज। तो मैंने कहा चलो सब दोस्तों के साथ मैं भी शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों का जो है ना खर्चा जो है मोबाइल स्टैंड का वो कम से कम हो। तो जैसा कि मैं एक यूट्यूब चैनल का ऑनर हूँ, तो आप भी अपने यूट्यूब के ऑनर हैं, तो इसी तरह आपको भी मोबाइल स्टैंड की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। कहीं किसी जगह पे आप जाते हैं तो आपके साथ पास ये मोबाइल स्टैंड होना चाहिए, जिसके ऊपर आप वीडियो बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो का रिजल्ट और आपके वीडियो के कंट्रास्ट जो है वो यानी कि दुरुस्त आए, आपकी वीडियो में हलचल ना हो, आपकी वीडियो में कोई यानी कि कमी पेशी ना आए। तो उसी वजह से मैंने ये बाज़ार से मैंने मोबाइल स्टैंड नहीं ख़रीदा, ताकि वो बाज़ार से आप लेने जाएंगे तो आप कम से कम आपको दोस्तों मैंने ये खुद ही तैयार किया है, इसलिए कोई इतना ज़्यादा खर्च नहीं है। आपका 40 से 50 रुपये इसके ऊपर भी खर्च आया है मोबाइल स्टैंड के ऊपर। मैंने ये एक स्पेशल मोबाइल स्टैंड जो है ये बनाया है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर दोस्तों हम बसानी से इसके ऊपर मछली से ये मैंने इसकी फिटिंग बनाई है, इसके ऊपर आप मोबाइल जो है बसानी से रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने ये देखें स्टैंड के ऊपर ये मोबाइल रखा हुआ है, ये तो छोटा सा मोबाइल है मेरे पास बटन वाला। तो आपके पास जो आपका टच मोबाइल है, जो आप जिसके साथ आप वीडियो बनाते हैं, तो वो भी इसी तरीका इसके ऊपर आपने रखना है। और इसके साथ जो है आपने हैंड फ्री वगैरह या जो भी आपने करने इस्तेमाल करना है, तो उसके साथ लगा कर आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके साथ ये एक हैंडल लगाया जो उसको आगे पीछे के लिए मूव करता है, इससे किसी तरह पे किसी भी साइड पे आपने इसको करना है, वो आप इसको घुमा के जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपने इसको बड़ा भी करना है तो ये देखो दोस्तों ये बड़ा भी हो जाता है, जितना मर्जी आप इसको ऊंचा ले जा सकते हैं। ठीक है, ये जो पैप की फिटिंग मैंने नीचे वाली जो पैप की फिटिंग की है, 2 से 2.5 फुट का पैप नीचे वाला है, अंदर वाला भी जो है पीवीसी पैप आपने इसको मूव करना है, ये उतना ही मूव हो जाता है, और इसके ऊपर आप मोबाइल रख कर बहुत आसानी से ये बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल सीधा हो गया है। इसको आपने इसको पकड़ कर ऐसे करने के लिए नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, आपने किसी भी जगह पर इसको इस्तेमाल करना है, वैसे भी आप इसके ऊपर कर इसके ऊपर आप अपनी वीडियो जो है देखने के लिए वो भी बना सकते हैं, रख सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसको वीडियो बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे करने के लिए
बच्चे भी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जितना आपने इसको बड़ा करना है इसको बड़ा कर लें, जितना आपने इसको छोटा करना चाहिए। इसी जगह पर आपकी सेटिंग यानी कि हो वीडियो की, आप उस जगह पर इसको तकरीबन बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये मोबाइल स्टैंड वाली वीडियो जो है तकरीबन पसंद आएगी, और आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, और बेल आइकन भी करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द अज जल्द आपके साथ शेयर हो सके, और आपको आप उसको देख सकें, और आपको उस वीडियो का इंशाल्लाह नहायत फ़ायदा होगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक पैंट को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि